दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में इस वक्त मौजूद हूँ। तमाम जो चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थक हैं उन्होंने जो आह्वान किया था महारैली का, यहाँ रैली में ये लोग आए हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि कोटे में कोटा और क्रीमी लेयर वाला, इसका ये विरोध करते नजर आ रहे हैं। आइए उनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिरकार इसका विरोध क्यों हो रहा है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद कैजान मंकूरी है। क्या विरोध क्यों कर रहे हैं, मतलब कोटे में कोटा क्रीमी लेयर वाले मसले का? मैं इसलिए विरोध कर रहा हूँ कि ये जो आरक्षण हम लोगों को दिया गया है इसमें वर्गीकरण क्यों किया जा रहा है। अगर वर्गीकरण करना ही है तो पहले कोर्ट के करना चालू कीजिए। जी बिल्कुल, वहाँ एक जाति के लोग बैठ सकते हैं, उनके ऊपर कोई वर्गीकरण नहीं है, हम लोगों के ऊपर वर्गीकरण है, ऐसा क्यों है? आरक्षण पे बिल्कुल भी वार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरक्षण पे वार बिल्कुल बर्दाश्त तो नहीं करेंगे और कोर्ट से वर्गीकरण की शुरुआत होनी चाहिए, यहाँ के जो समर्थक उनका ही कहना है। आप बताइए आपका क्या कुछ कहना है समर्थक? एक बार भाई आ रहे, मेरे को पसीना आ गया थोड़ा, एक बार भाई को दो मिनट का बोलने का मौका दीजिए। कवल पूछिए, आप विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं विरोध ये इसलिए कर रहा हूँ कि आरक्षण हक है हमारा, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। बाबा साहब ने जो हमें खून पसीने के चार चार बच्चों की कुर्बानी दे करके जो हमें अधिकार दिया है, जो हमें हक दिया है, उसकी वो उस विरासत को हम अपने लोग मांग रहे हैं। इस पर बिल्कुल भी वार बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको ध्यान होगा मैडम, 2 अप्रैल में क्या हुआ था, 13-13 लोगों की कुर्बानी हम लोगों ने दी। अगर आरक्षण पे बिल्कुल भी अगर बिल्कुल भी छेड़छाड़ की गई तो 13,000 की भी कुर्बानी देनी पड़े तो हम लोग देंगे, ईंट के ईंट बजा करके रख देंगे। बिल्कुल आरक्षण पे वार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो खुली कह सकते हैं कि चेतावनी कि बिल्कुल भी आरक्षण पे वार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो तमाम समर्थक है चंद्रशेखर आजाद के वो यहाँ पर कहते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये कितना बड़ा रुद्र रूप ये महारैली यहाँ पर लेती है। दिल्ली से यूपी तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।